हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं डायबिटीज या मधुमेह या शुगर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डायबिटीज से भारत के अलावा जितने भी देश हैं दुनिया में, वो आज डायबिटीज से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। पहले ऐसे माना जाता था कि डायबिटीज से 40 वर्ष बाद के जितने व्यक्ति होते हैं वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, लेकिन आज जितने भी एडल्ट वूमेन हैं, जितने युवा वर्ग हैं, वो भी आज डायबिटीज से पीड़ित हैं और अब तो बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। तो आज मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा बारीकी से कि डायबिटीज के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका रामबाण उपचार होता है। और आज मैं पूरा डिटेल से करूंगा इसका एनालिसिस कि डायबिटीज हमें होती क्यों है, और आप इससे जब एक बार जब इसे बारीकी समझ जाओगे तो इसका आप अच्छे से इलाज कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सिंपल तरीके से कि डायबिटीज होती क्या है। देखिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर तीन तरह के लोग पाए जाते हैं, एक पुरुष पाए जाते हैं, दूसरी महिलाएं पाई जाती हैं, और तीसरे जो पुरुष और महिला जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, ऐसे लोग पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में तीन तरह के ऐसे ही लोग पाए जाते हैं, तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं ग्लैंड्स। एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि जो एंजाइम निकालती है, यानी एंजाइम का काम होता है कि जो आप खाना खाते हो उसको बड़े एटम्स में, छोटे छोटे एटम्स में तोड़ देना। बड़े एटम्स में खाना खाते हो ना, तो जो बहिस्त्रावी होती है जो एंजाइम निकालती है, वो ग्रंथि आपके छोटे छोटे एटम्स में तोड़ देती है आपके खाने को। एक होती है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो केवल हार्मोन को निकालती है, और ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालती है उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, यानी मिक्स्ड ग्लैंड। और हमारे शरीर में केवल एक ही ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को निकालती है, उसे बोलते हैं पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय। अब यही बड़ा इम्पोर्टेंट आपके शरीर में अंग होता है, यही ऑर्गन है आपके इम्पोर्टेंट जो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अब ये जो पैनक्रियाज होता है ना, ये आपके साथ साथ पाचन को भी काम करता है। यानी मैंने क्या बताया, ये एंजाइम हार्मोन दोनों को निकालता है ये पैनक्रियाज अग्नाशय। तो यानी इससे भी तीन तरह के एंजाइम निकलते हैं और तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं। जो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, वसा खाते हो, ये उनका पाचन करता है पैनक्रियाज में जो एंजाइम निकलते हैं। लेकिन आज बात कर रहा हूँ मैं केवल डायबिटीज की, तो डायबिटीज के बारे में ही आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमारे डायबिटीज में जो पैनक्रियाज होता है उसमें तीन तरह की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। एक अल्फा कोशिका पाई जाती है, एक बीटा कोशिका, एक गामा कोशिका। तो अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, और गामा कोशिका से निकलता है सेमस्टोन हार्मोन। तो लेकिन आज बात कर रहा हूँ मैं केवल डायबिटीज की, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन का ही बड़ा आपके अंदर रूप है, ये इसी का सबसे बड़ा रोल मॉडल है आपके शुगर को कंट्रोल करने का। देखिए, वैसे डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट डायबिटीज जो होती है वो जेनेटिक होती है, आनुवंशिक होती है। ऐसी बीमारी जो हमें माता पिता से मिलती है वो बीमारी आपकी जेनेटिक कहलाई जाती है। देखिए, इस बीमारी में कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी का केवल एक इलाज है, आपको जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमेशा के लिए आपको बाहर से लेना पड़ता है। इसके लिए कोई आपको वैद्य हकीम या डॉक्टर कोई बेवकूफ़ बनाता है कि यह बीमारी आपकी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, तो आप किसी के जाल में ना फंसें। इसके लिए आप हमेशा के लिए इंसुलिन हार्मोन हमेशा के लिए बाहर से लेते रहें। लेकिन ऐसे मरीज जो टाइप सेकंड वाले डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण उपचार है, और आप ये बीमारी आपकी लाइफ जो स्टाइल होती है, और इसके लिए आपको जो ट्रीटमेंट होता है, और इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आज मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं, ये टाइप सेकंड डायबिटीज में ये हार्मोन कम बनाती है इंसुलिन हार्मोन को। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है। देखिए, इसका काम होता है कि जब आप खाना जो खाते हो, आपके खाने में जो खाने का जब डाइजेशन हो जाता है तो आपको ग्लूकोज मिलता है। जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ये आपका इंसुलिन हार्मोन आपके रक्त में से उस ग्लूकोज को लेकर के आपके लिवर में, उसमें ग्लाइकोजन के रूप में इसे स्टोर कर देता है आपके लिवर में। लेकिन जब ये इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है तो आपके रक्त में से उस ग्लूकोज को ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा आपके अंदर बढ़ जाती है तो ये ग्लूकोज आपके यूरिन के रास्ते पास होने लगता है, और ये ग्लूकोज आपके पर्टिकुलर आपके बॉडी के किसी भी अंग में जा नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ ये आमंत्रित हो जाती हैं डायबिटीज बीमारी में, जैसे हार्ट के रोग, किडनी की बीमारी, आँखों में धुंधलापन आने, आँखों की रेटिना खराब हो जाना, नसें खराब हो जाना, या घाव और ना भरा जाना। जब आपको पता है ग्लूकोज एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, जब आपके शरीर के लिए ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर सब आप समझ सकते हो कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं।
जब ये ग्लूकोज आपके यूरिन के रास्ते पास होने लगता है तो आपको प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, आपकी आंखों की रेटिना ख़राब हो जाती है, हार्ट के रोग हो जाते हैं, किडनी की डिजीज हो जाती है, किडनी डायलिसिस पर हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, धावनी भरा जाता है। तो यानी ये बीमारी अपने साथ साथ बहुत ज़्यादा और बीमारियों को भी आमंत्रित करती है। तो देखिए भैया, टाइप सेकंड जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनके लिए मैं आज आपको दो उपाय बताता हूँ, उनको रामबाण। सबसे पहले तो जो आपका इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि ये पेनक्रियाज जो अग्नाशय जो अंग होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो जो बीटा कोशिका जो आपकी धीमी पड़ गई है, उस बीटा कोशिका को जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो इंसुलिन हार्मोन बिल्कुल आपको बराबर क्वांटिटी में निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले आप योगा कीजिए, कपाल भाती कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, सबसे ज़्यादा प्राणायाम में सबसे ज़्यादा कपाल भाती कीजिए और अनुलोम विलोम कीजिए। आसन में आप मंडूकासन कीजिए, सर्वांगासन कीजिए, हलासन कीजिए, शीर्षासन कीजिए। इससे क्या होगा कि इससे जो आपका पेनक्रियाज का पेनक्रियाज ऑर्गन है उस पर जोर पड़ेगा और इसकी जो कोशिका जो आपकी डीएक्टिवेट हो गई है, ये एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन वो बिल्कुल क्वांटिटी में निकलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, वो कंट्रोल हो जाएगा आपका ब्लड में। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक उपचार और मैं आपको बताता हूँ, ये रामबाण नुस्खा है बिल्कुल, ये रामबाण मैं आपको दो पैसे के लिए और बताता हूँ। एक आता है करंज बीज, करंज बीज का आपको पंसारी किसी भी पंसारी वाले कहाँ से मिल जाएंगे, ये जो औषधियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक आता है करंज बीज, करंज बीज का आपको लेके आना है और करंज बीज का जो बनाना है आपको चूर्ण, इसका चूर्ण बनाने के बाद में आपको आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम ये गुनगुने पानी से आपको लेना है। आप देखोगे आपकी 3 से 4 महीने के अंदर जो आपकी डायबिटीज है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरा उपाय बताता हूँ मैं आपको, गिलोय, जामुन, कुटकी, चिरायता, कालमेघ, नीम पत्र, सूखा करेला, काली जीरी और मेथी, इन सभी को बराबर क्वांटिटी में आप पंसारी की दुकान से लेके आइए और लेके आने के बाद में इसका बनाइए चूर्ण। इसका चूर्ण बनाने के बाद में 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम खाली पेट आपको पानी से लेना है। आप देखोगे आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल 3 से 4 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी और आप जो इंसुलिन हार्मोन आप ले रहे हैं उसको बंद ना करें जैसे ही, और आप अपने डायबिटीज़ चेक कराते रहें, जैसे ही आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए तो आपका जो इंसुलिन हार्मोन है वो आप बंद कर दें और आप जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियाँ हैं इसको आप लेते रहें। और जब आपकी डायबिटीज बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योर हो जाए, बिल्कुल आपकी नॉर्मल आ जाए तो आपकी जड़ी बूटियाँ भी बंद कर दें। देखिए जी, ये आप जो इंसुलिन हार्मोन जो आप लेते हो वो केवल आपके सिम्टम्स को दूर करता है, यानी आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ना कि आपके पेनक्रियाज के जो बीटा, पेनक्रियाज का जो बीटा कोशिका होती है जो इंसुलिन हार्मोन है, ना कि उसको एक लाता बराबर क्वांटिटी में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।